नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र प्रसाद उर्फ सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया। ये दानापुर नगर परिषद वार्ड संख्या 3 के पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा ये अखिल भारतीय वैश्य समाज बिहार प्रदेश के पूर्व महामंत्री भी हैं। तो इस वक्त ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आप दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर आपको क्यों लगता है कि आप एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? मैं बेहतर उम्मीदवार इसलिए हूँ कि मैंने नगर परिषद दानापुर के पार्षद भी रह चुका हूँ वार्ड नंबर 3 से। मैं अपने क्षेत्र में जो भी नगर परिषद का सुविधा था मैं कार्य किया हूँ और लोग जनता है मुझे चाहता है, मैं इसीलिए मैं उम्मीदवार दानापुर विधानसभा से बना हूँ। सर, एक वार्ड पार्षद रहते हुए आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं? सर, हमने अपने क्षेत्र में बहुत सा समस्या था, जल जमाव का जी, सड़क नली जी, जल का, शिक्षा का, फिर लाइब्रेरी का और महिला सशक्तिकरण का। अच्छा, बहुत से समस्या थी जी जी, जो जिसको हमने काफ़ी हल किया है, कुछ अभी बाकी भी रह गया। अच्छा, तो वही करने के लिए आप फिर विधानसभा चुनाव जी? मैं चाहता हूं कि अगर मुझे अगर दानापुर की जनता अगर हमको टाइम दिया तो विजय श्री दिलाए। अच्छा सर, आपको आपके अनुसार जो भी सर मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें क्या कमियां हैं आपके दानापुर विधानसभा क्षेत्र में? जैसे पहले तो है कि हमारे दियारा वासियों को माने बरसात के समय में जी, या पानी अगर बाढ़ आ गया उस समय समस्या है कि पीपा पुल खुल जाता है, 6 महीना तक के कोई आवागमन बंद हो जाता है। अच्छा। जिससे बहुत से बहु विद्यार्थियों को, बहुत से बहु बेटियों को परसों के आने जाने में काफ़ी कठिनाई होता है। वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं हैं जी। और सर, शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बच्चियाँ हैं हमारे वे उस पार कि पढ़ने उड़ने आने में यहाँ दानापुर बाजार में बहुत दिक्कत होता है लोग को। मैं ये सब चाहता हूँ कि सब समस्या को निपटारा हो। अच्छा सर, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान है कि जैसे अगर हम जीतते हैं तो पहले तो लाइब्रेरी की जी शिक्षा में हर एक 13 पंचायत हैं, 13 पंचायत में 7 पंचायत आपको दियारा में है, तो मैं वहाँ चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल हो, वहाँ डॉक्टर हो। और दूसरी समस्या है कि पीपा पुल अगर अस्थाई बन जाता है, मैं उस कार्य करूंगा कि अस्थाई पुल बन जाए ताकि सब तरह से कोई किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा सर, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं सरकार से मांग करूंगा, अपने जितना हमसे काम करने के लिए मैं करूंगा जी। अच्छा सर, सड़क की जो समस्या है वहाँ जी, सड़क की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं? सड़क तो बहुत समस्या है, बहुत सी सड़क बनी है, बहुत सी समस्या, काफ़ी समस्या मैंने दयनीय स्थिति में है। मेन रोड छोड़ कर करके काफ़ी जो नगर परिषद क्षेत्र में है चाहे पंचायत में है, काफ़ी सड़क बर्बाद है, किसी तरह का ठीक नहीं। तो अभी जो वहाँ वर्तमान विधायक है, क्या उन्होंने कोई कार्यकारी नहीं किया सर वहाँ पे? अगर वर्तमान विधायक करते तो आज दानापुर स्वर्ग तरह का रहा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने आज तक के क्षेत्र में काम ही ध्यान नहीं दिए जी, इसीलिए अभी अगर वहाँ बहुत सी मैंने समस्या है, जैसे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता भी है। अच्छा, वहाँ सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण का है, विधायक महिले से हैं, उसके बावजूद भी आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया कि महिला सशक्तिकरण को उठाया जाए। अच्छा, तो वहाँ जो विधायक हैं उन पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर जी कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है? नहीं, काम नहीं किया नहीं, वो तो जनता बता रही है वहाँ की। अच्छा, जनता में उबाल है किस बार बदलना है तो शिक्षा विधायक को, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सड़क, इन क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ वहाँ पे? जी नहीं, जो जैसे था उसी था। तो सर, ये सब आपके एजेंडे में है? जी, एजेंडा में है जी, रहेगा भी। अच्छा सर, आपको अगर मौका मिलता है जी, अगर आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं जी, तो सर सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? मैं चाहूँगा
कि एक पब्लिक लाइब्रेरी पहले सबसे प्रथम हो जाए, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कठिनाई होती है, पैसा के अभाव में बहुत सी तरह ऐसे लाइब्रेरी रहेगी तो पब्लिक विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी। और उसके बाद है पीपा पुल, बिहार वासियों को अस्थाई पीपा पुल होना चाहिए। और दानापुर विधानसभा को भय मुक्त बनाना है। जी मैं इस तरह का भय है सर उस क्षेत्र में, बहुत समस्या है कि मैंने रंगदारी करेंगे, ये करेंगे वो सब। आप उसके लिए सर आपके पास कोई प्लान है उससे? हाँ, प्लान हाँ, छुटकारा दिलाने के लिए है प्लान। क्या प्लान है सर? प्लान है मैं प्रशासन का सुविधा लूंगा। अच्छा सर, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ पे क्या कार्य करना चाहते हैं? स्वस्थ करने के हर एक के जैसे पंचायत में है, दियारावासी में 7 पंचायत है, 7 पंचायत में जैसे मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र हो, जैसे हर एक पंचायत में हो, जैसे सरकारी हो प्राइवेट हो वो सब हो। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए आप सर क्या कार्य करेंगे? समस्या तो काफ़ी है बेरोजगारी का। जी मैं ऐसे पार्टियों लोग तो कह रहे हैं कि मैं 10 लाख दूंगा तो कोई 14 लाख देंगे, बीजेपी वाले 19 लाख कह रहे हैं। हाँ, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 40 लाख कह रहा है, ये सब बकवास है। जी और ये लोग केवल अभी चुनावी मुद्दा उठा करके और विद्यार्थियों से बेरोजगार को से एथी कर करके जो अपने चुनाव जीतना चाहते हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक बेरोजगारी जो है उसकी समस्या के लिए मैं जैसे है कि प्राइवेट जॉब, संविदा की जॉब, मैं एक अपना एथी बनाऊंगा, लंच करूंगा। क्या लॉन्च करेंगे सर? वेबसाइट लॉन्च करेंगे। जी वेबसाइट लॉन्च कर करके और उसको मैं अपने एथी से मैं विद्यार्थियों को जो बेरोजगार हैं उनको अपने करूंगा। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।